भाई रोज की राड़ से तो मैं तंग आ गया, क्या करूं भाई, मैं समझ ना आ रहा कुछ भी। तू परे को मुंह फेरे बैठी है, इधर को सुन, ये करना है नू बता। जब मैं मर जाऊंगी ना तुम्हारे घर की राड़ जब भी बुझेगी, मेरा तो विश्वास करते ना हो तुम। विश्वास तो खूब है नीता, आखिर मैं करूं क्या, मैं भी मजबूर हूँ, मेरा बाप है मेरा भाई है, उन्हें मार दूं, नू बता। मैं तुमसे ये तो कहना रही कि तुम मारो, पर चार आदमी जोड़ो अपने न्यारे हो जाओ। न्यारे भी हो जाएंगे, थम जा, या राहुल का ब्याह हो जाए, समझे, इन दोनों ने रोटी कौन खवाएगा? मुझे ना पता बुड्ढे को रोटी कौन खवाऊगा, तुम न्यारे हो जाओ बस। ये खिचड़ी पक रही है, पक जान दे। मुझे ना पकानी खिचड़ी, तुम्हारा क्या, तुम तो चले जाओ बाहर है, मुझे तीनों के तीनों मारने को चढ़ा है पीछे तुम्हारे से, मैं काम ना करती हूँ। हाँ चल ठीक है, न्यारे हो जाओ आज ही। हाँ काम कर ले जा, ठीक है, बस ये कह देते हो काम कर लो। अरे बेटा इस घर की राड़ तो दबती रहेगी, जुकर भी होगा, तू इसे अमित के घर छोड़ियो इस लड़की को, बाकी मैं संभालूंगा, चल जाओ। ठीक है बापू, चल सोनम। बाय राहुल जी। बाय बाय। अरे फालतू ना बोल ले, चुप बैठ। अरे है क्या अमित बेटा, आ जा तू, आ जा बैठो। तू क्या बात होगी हमें बता। कुछ ठीक ना है अमित बेटा, बहुत परेशान हूँ। अमित बेटे आज तेरे एहसान की जरूरत है, तू मेरे पे एक एहसान कर दे, आज उस लोंडे के फेरे फिरवा दे, आयु तेरे हाथ में है, आज ही फिरवा दे। ताऊ इसमें एहसान की कौन सी बात है, यू तो मेरा फर्ज है, या तो यंग है मेरी साली है और वंग है मेरा भाई है, पर फेरों की बात करो, आज ही फिरवा देंगे मंदिर में फेरे। अरे मंदिर में के काटेंगे बेटा, इंग है तू राजी, इंग है मैं राजी, आज कर दे काम बिना उसके, फिर मेरा पता नहीं भाई, मैं हार्ट का मरीज हूँ, क्या पता कल को क्या हो, आज ही कर दे इस काम को। सोनम के जीजा ये तो बताओ, ताऊ जी क्या करा रहे हैं आज, हमें भी तो पता लगे। अरे सीमा हम बताओगे, ताऊ है घना परेशान, सोनम का ब्याह करेंगे आज ही, ठीक है तू इसे तैयार कर। क्या इतनी जल्दी शादी, ना हल्दी ना मटना, मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा ऐसी जल्दी ब्याह। अरे बेटी तू हल्दी और मटने को छोड़, तू इस लड़की को तैयार कर दे, अरे वो जमाना ना रहा, चिट मंगनी और पट ब्याह, आज ही हो जान दे, होन दे बेटा। और मैं मिलाऊं सर राहुल को फोन। हेलो, अरे भाई राहुल कहाँ है तू, अरे पूरे को आजा घर के डब को, ठीक है बढ़िया से कपड़े पहन के आइए, ठीक है ठीक है आजा। ठीक है ताऊ जी जैसी आपकी मर्जी, चल अंदर को। हाँ भाई जोनी, या बात कैसी रही? ताऊ या बात तो बहुत बढ़िया रही, दो लड्डू हमें भी मिल जाएंगे खाने को। अरे अमित ब्याह की बात तो चल रही, फिर एक माला और वो सेहरा भी तो चाहगा। ताऊ मेरे ब्याह का सेहरा भी धरा और माला भी धरी, तो ले आवे ने, और बस मैं ले आऊं अब जा, दिक्कत ना मन है, इब लाया चल लिया बेटा। बापू के काम था? अरे काम ही काम है, तू चैन ते बैठ तो सही। अमित ने फोन करा मेरे पास। हाँ अमित ने फोन करा। ताऊ देखिए चलना जागा। अरे ये तो खूब बढ़िया चलेंगे। और ताऊ देखिए माला लिया भाई, वाह गजब गजब गजब, सारे काम बढ़िया हो रहे, बढ़िया। वाह 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 वाह। ताऊ आखिरकार हमारी साली का ब्याह है? हाँ नहीं बढ़िया। अरे सीमा अरे सोनम तैयार हो एक ना, अरे जल्दी तैयार कर दे, मका दूल्हा तैयार बैठा। बापू ये क्या हो रहा है? अरे हो रहा क्या हो रहा बता रहा, अरे तेरा ब्याह करेंगे,
और सुन तो सही, अब मेरा के भरोसा, आज हूँ कल को चला जाऊँ। अरे भाई मैं तो अपने आगे ही करूँगा सारा। मेरे यार दोस्त क्या कहेंगे? अरे यार दोस्त को भी बुला लेंगे, दुनिया रिसेप्शन करे हम भी कर देंगे। जैसी आपकी मर्जी। हाँ तू चिंता ना मन, इतना बढ़िया रिसेप्शन करूंगा, अबल्ले बल्ले अबल्ले बल्ले। भाई अमित मैं भी आ रहा, मुझे कुछ काम है। मेरी बात सुन, लड्डू खा कर जाइए भी आके। कोई ना मैं भी आ रहा, मुझे कुछ काम है। तू यू गया ना उठ के, यो कहीं चुगली ना कर दे मोहल्ले में, और थरे अनिल को ना भड़का दे यू। अरे भड़का लें दे अनिल को, अमी अभी बिराजी अके करेगा काजी, अनिल कुछ ना करे इसमें। अरे बस तो चट मांगनी और पट भी आओगा। ओ अनिल। हाँ भैया। अरे तुझे कुछ पता? बोल भैया। तेरे भाई की शादी अमित की साली से हो रही। अरे यू तो बहुत बुरी बात हो रही है, एक भैया की शादी हो रही है और दूसरे भैया को पता भी ना है। और वहाँ तो लड्डू बटन लग रहे। अरे भैया बटन दे रामवीर, कोई बात ना, वो बाप बेटा हरामी है, जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। मैं तो अपना काम करूंगा, खेत में पानी बलाऊंगा, तू जा तू लड्डू खा। हाँ भैया। चल भैया। अरे भैया अनिल इंक तो तेरी बहुत बढ़िया हो रही है। मैं भैया मेहनत ना करता रामवीर? भाई मेहनत तो तू बहुत करे, पर मैं यूं कहूं हूं कि राहुल को भी साथ लाया कर। अरे भाई रामवीर तुझे सब पता है, राहुल तो हमारे बाप ने बिगाड़ दियो, समझे, वो कुछ नहीं करता, सब कुछ मेरी जिम्मेदारी पे। ठीक है भाई अनिल तू पानी लगा मैं चला। हाँ ठीक है जा। बाप बेटा शादी कर रहे हैं, लड्डू मैं खिलवाऊंगा, कैसे लड्डू खा मैं भी देखूं कैसी शादी हो रही है, लग जाएगा पानी। हाँ जी चौधरी साहब, अब खत्म खुश हो अब मेरे लड़के की शादी पे? हाँ जी हम तो बहुत खुश है जी, बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। ले भाई ये था माला और बन गया मेरा भाई दूल्हा, अब लगा मेरा भाई सोना सा दूल्हा। बापू कैसा लग रहा हूँ? भाई बहुत बढ़िया लग रहा, माला पर आए दे ताऊ, जुगाड़ सही बैठा दिया, बहुत बढ़िया अमित। हाँ गजब, बस ठीक कर दे बस काम को। अरे एक तू ले ले, मुस्कुराइए बाद में, पहले माला गेर दे। अरे अब तो तू होगी खुश। देख राहुल हमने अपनी बहन बहुत प्यार से पाली, इसका अच्छे से ध्यान रखियो। आप परेशान ना हो, अच्छे से ध्यान रखूंगा। ठीक है भाई। दिखे मेरी छोटी साड़ी, बस तू घना ध्यान रखिए। अरे भाई अब तो साडू का रिश्ता हो गया, ठीक है पूरा ध्यान रखूंगा। अरे भाई जीते रहो, भगवान तुम्हें सुखी रखे, भगवान तुम्हें खुश रखे। चलो गुरु, गुरु चल के देवता भी तो पूजना है, चलो गुरु। अरे सीमा कहीं को रो रही? मेरी बहन जा रही जी दूसरे घर। अरे कोई बात ना, दिखे जी पे तो मेरे भी जोर पड़ रहा, या हमारे ही घर में जा रही, जब से हमारे सास ससुर मर रहे या हमने ही पाली परवरिश करी, आज इसका घर बसा दिया, वो भी हमने अपने घर में ही बसाया, देल ना मानने वहाँ खुश रहेगी वाह। ठीक है आ चल तू अंदर को आ। अरे बहू हमें राहुल का ब्याह करके लिया और तू आरता कर ले बेटा। क्यों बुड्ढे, मैं तो पूछ कर लाया तुम ब्याह करके जो आरता उतार लूं। अरे बेटा मैं ब्याह करके ले आया, तू आरता उतार ले, इसमें क्या हरज है? वो भी उससे जो मैं तो जुबान चला के। अब बेटा अब तुम यही थमो, अशुभ काम अशुभ तरीके से ही होना चाहिए। राहुल जी तुम चिंता मत करो, सबकी इतनी सेवा करूंगी कि तुम्हारी भाभी को अपना बना के छोड़ूंगी, देख लेना एक दिन वो जरूर मान जाएंगी। राहुल भाई भब्बे सही कह रही, सेवा में मेवा है। आजो बेटा। ओम भूर भुवे स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम्, ओम भूर भुवे स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम्। अब बेटा अब भगवान ने तारी जोड़ी मिला दी, अधिक खुश रहियो, अब तो नु मिलजुल कर रहियो, अधिक मजे रचे टेम पे दे जइयो। अरे तू कहां आ रहा? लड्डू खाना आया। लड्डू नहीं मिला तुझे? खाओगा ना। अरे चल कल को लिए लड्डू, लड्डू लड्डू आ रहा लड्डू। बुड्ढा तो बहुत आराम है। अजी रुको,
हाँ भाई बोल। तुम्हें पता बुड्ढा ब्याह कर लाया राहुल का। तो ब्याह तो होना था, आज ना कल होना था, ये तो मुझे भी पता। तुम्हें पता किससे करके लाया? भाई किससे करके लाया? अमित की साली से करके लाया, उस सॉक्सर रांड से। कोई परेशानी ना है, तू चिंता मत कर, कुछ ना होने का। वो मुझे एक आंख ना भावे, और अगर उसने मुझे कुछ कहा तो चुटिया पकड़ कर रगड़ दूंगी उसकी। खूब मारी है, कुछ भी कहे तो मैं बैठा हूँ, तू चिंता चौमाने। हाँ पानी दे। अगर आपको कुछ भी समस्या हो, कुछ भी मंगवाना हो तो मुझे बताना। अजी आप बिल्कुल भी चिंता ना करो, मुझे यहाँ पे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी, इतना मुझे पता है, और मैं अपने प्यार से सब कुछ ठीक कर दूंगी। आप यहीं बैठो, मैं बाबूजी के लिए चाय बना दूँ। अरे चाय बन जाएगी, आप यहीं बैठो। देखो जी मुझे ना कपड़े भी चेंज करने हैं, बहुत गर्मी लग रही है। अरे थोड़ा मुस्कुरा तो दो। कपड़े तो हम चेंज ही करवा देंगे। और आप मस्करी कम करो, आप मुझे जाने दो, जल्दी आना। जी बिल्कुल। सुनो तो जल्दी आना। ए, क्या कर रही है तू इसमें? दीदी मैं चाय बना रही हूँ। हटा चलेंगे को, मैं बनाऊंगी अपने पति के लिए चाय, लिखेंगे को। दीदी दीदी मैं सबके लिए चाय बना रही हूँ। हाँ तू बनाएगी चाय हमारे लिए, मुझे ना चाहिए तेरा हाथ की चाय गुंडे से मुँह की। दीदी देखो जवान संभाल के बात करो, आप बड़ी हो, मैं आपका सम्मान कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोले जाओगे। हाँ तू करेगी हमारा सम्मान, हमें ना करवाना सम्मान। चल दीदी इस घर में जितना हक आपका है उतना मेरा है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। या तो इस रसोई से निकल जा, ना तो धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। अरे यू क्या कलेश हो रहा घर में? अरे भाभी लड़ रही दिखे सोनम से, आज इस भाभी को बताई दूं। अरे भाभी कैसे लड़ रही है तू, आराम से रहेगी ना? रहेगी। देखो जी मैं चाय बनाने के लिए आई थी, दीदी खामखा वैसे ही लड़ रही है मेरे से। अपनी बुद्धि सही कर ले भाभी, बता रहा हूँ बहुत बुरा हो जाएगा। ना तो क्या कर लेगा तू? मैं बहुत कुछ कर लूंगा। हाँ तू मुझे मारेगा, हाँ तू मुझे मारेगा। देखियो राहुल के भैया बाहर कोई अली गड़ के मार रहा है मुझे। अरे देखो मेरा सिर फटा जा रहा है। अयो राहुल के भैया। अरे देख ले, अरे क्या करे तू, अरे मेरी लुगाई मार के छोड़ेगा भाई। अरे भैया यू बहाने बना रही है। अरे देख तू लड़ लगे अरे रह सकते तो नहरे हो जाओ। अरे सुन हम रहेंगे छोटे में, अब बड़े में नहीं रहने के। तुम चुप रहो बाबू, मेरी लुगाई मार रही है, इसकी इतनी हिम्मत? अरे कहाँ मार रहा तेरी बहू को? अरे मैया मर गई, मैं तो मेरा सिर फट गया। बस ये मर गई, तू चल नेगवा जा। ले जा बहू के गुलाम। हाँ गुलाम, तू ना है गुलाम। हाँ। लड़ो मत ना, हरामी बना रखा हरामी। चला जा भैया बता रहा हूँ, चला जा। अरे चलो छोड़ो छोड़ो, अरे लड़ाई मत करो। अरे चलो सामान लेकर चलो, अरे अलग रहेगी हम अलग रहेंगे। अरे चलो बापू, ये रोज न्यारे न्यारे होने की बात करे या न्यारा ही कर दे। अरे बेटा अन्यारा कैसे कर दूं, तू भी मेरा बेटा, यू भी मेरा बेटा। दो साल पहले तो यू भी ठीक था, जब तक इसका ब्याह हुआ, जब तक इस बहू का गुलाम हो रहा, अब बता नू क्यों कर न्यारा कर दूं। बापू रोज राड होने से तो ठीक है, न्यारा हो जाएगा। अरे बेटे कुकर करूं, मेरी या भी भुजा है या भी भुजा है, तुम दोनों भाई मेरी दोनों भुजाओं बता कौन सी को कुकर काट दूं। अरे देख लो बेटा कुछ समय करो, कुछ ना कुछ हल निकलेगा। बापू मैं जानू ये बड़ा भैया हमारा, ये जो भाभी है ना हमारी, वाने ऐसी तैसी मार रखी है भैया की भी। ये तो तू ठीक कह। हाय मरगी, हाय मेरा सिर फटा जा रहा। तू आराम कर ले, गुस्से से सिर फटा जा रहा है, चिंता मत कर, मैं अमित के घर जा रहा हूँ। या अमित ने बीच बवा साली से ब्याह करवा के। हाँ इस अमित ने तो राड करवाई हमारे घर में, ये ब्याह ना करवाता तो। जाओ तुम अमित के घर जाओ, मैं सबक सिखा के आऊंगा यार। हाय हाय मैं मरगी। तू आराम कर, मैं अभी आ रहा हूँ और अभी बताऊंगा यार। जा रहा ठीक है। हाय मैं मर गई, हाय हाय मेरा सिर फट गया। अरे माँ देख अनिल गुस्से मारा। अनिल हाँ जा रहा। अमित के सिरे फोड़ूंगा ना, गुस्से में जा रहा हूँ मैं। क्यों फोड़ेगा भाई, क्या कर दिया ऐसा उसने? उसने अपनी साली का ब्याह मेरे भाई से करवा दिया, अब घर में राड़ हो रही है।
अरे तू लड़ेगा, सिर क्यों फोड़ा है उसका, ऐसे क्या कर दिया उसने? अरे ताई वाने अपनी साली का रिश्ता मेरे भाई की खेल करा दिया और घर में हो रही है राड़, बता मैं क्या करूं? करवा दिया? अरे ब्याह तो कहीं से ना कहीं से होता ही, वैसे ना होता भैया कहीं और ऐसा होता। लड़ा करते ना आया, तू अपना घर को जा, ठंडा करके खा। माँ सही कह रही है भैया, राड़ में कुछ ना रखा, तुम घर जाओ, सब बैठ के समझा देंगे। अरे दर्शन भाई, मैं ताई की बात मान रहा हूँ, मगर नू बतायो जो साली का ब्याह करवाया है मेरे घर में कलेश करवाने, भाई क्यों करवाया? अरे उन्हें कह दिए तुम लड़ो आपस में, और मुझे तेरी बहू की भी पता, तू ज्यादा गुलाम मत बना अपना लुगाई का, तेरे बाप को कभी चाय पानी बिना देवे टाइम पे, उसकी तो तरफदारी कर रहा। अरे ताई मैं तरफदारी ना कर रहा, घर में कलेश अच्छी ना लगे, रात दिन खेतन में मेहनत करूं, यू राहुल कुछ भी ना करता। चल कोई बात ना, हम समझाऊंगे उसे ना लड़ने की, भैया लड़ाई में कुछ ना दर, तू घर को जा, गुस्से में बेमतलब की वहाँ तो मार पिटाई करो, नक्सी देर में पुलिस आ जा, दो डंडे तेरे में मारेगी, दो उसमें मारेगी, बेमतलब तब थाने में बंद कर देगी, और नोट लाओगे वहाँ देख के छुटा के। तेरी बात मान लू ताई, मैं अब जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, चल आऊंगी मैं, देखूंगी कौन सी लड़ रही है। ताई तो जाकर वहाँ लट पिटाई कर देता है, बेमतलब इतना गुस्से में हो रहा है, लड़ पड़ता मुंह भी लाल हो रहा, और तो की लड़ाई में आदमी को बोलना ही ना चाहिए। हाय हाय मर गई मैयारी, मेरा बुखार चढ़ गया, अरे कोई मुझे बचा लो। हाय मैयारी मर गई, हाय मुझे कोई बचा लो, बुखार चढ़ गया मुझे, मेरा सिर में दर्द हो रहा, अरे मेरा सिर फटा जा रहा। बाबूजी ये लो चाय। अच्छा बेटा, अरे मेरा सिर फटा जा रहा, हाय मैयारी मर गई। बाबूजी मुझे लगता है दीदी की तबीयत खराब है। अरे बेटा देखो, अगर ज्यादा तबीयत खराब है तो देख बेटा उसे क्या बात है। बापू यू ड्रामेबाज भाभीया हमारी, कहीं ना बीमार हो रही हूँ। तुम तो रहने दो जी, मैं जाके देखती हूँ। हाँ देख बेटा। बाबूजी राहुल जी, दीदी की ज्यादा तबीयत खराब है, जल्दी आ जाओ, बहुत तेज बुखार है, जल्दी आओ। अरे बेटा चलिए चलिए। दीदी दीदी क्या हुआ? राहुल जी जल्दी आओ। भाभी बुखार है दीदी को बहुत तेज, इसे भी अभी बीमार होना था, हे भगवान ठीक कर दे तू इसे। राहुल जी अपना थोड़ा ठंडा पानी लेकर आई है। लिया लिया पानी लिया बेटा। हाँ अब बुखार है। ओ ए भगवान, ए भगवान तू ठीक कर दे से। लाइए। भाभी परेशान ना हो। ए भगवान ठीक कर दे, ये तो ठीक रहती, अरे तो अभी तो अच्छी थी, अब क्या हो गया? अरे भगवान ठीक कर दे। मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। अरे क्या बात होगी राहुल? अनीता ये बात है, भाई साहब इनकी तबीयत खराब होगी, बहुत तेज बुखार है। अरे बेटा तू डॉक्टर को बुला लिए। मैं डॉक्टर बुला के लाता हूँ। दीदी आप चिंता मत मानो, आप अभी सही हो जाओगे। अरे अनिल, अरे तू गया नहीं के डॉक्टर के धोरे? बाबूजी बुखार तेज है। ठीक है गोली खवा दो, बुखार उतर जाएगा, बाद में इंजेक्शन लगवा। तो दे दे बेटा दे दे। पानी पकड़िए राहुल। बेटा तू इसका सिर ठा दे ऊपर को। ये बात, हे भगवान हे भगवान, ये सारी समस्या इस राड़ की है, इसी के सर पड़ जाएगी। पड़ गई ठीक हो जाएगी बेटा, चिंता ना मानने। वैसे कुछ आराम सा है, है? हाँ अब तो मुझे थोड़ा थोड़ा आराम है। हाँ राहुल भैया मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, और तुम भी छोटी बहन जैसी हो मेरी, तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें भी बहुत गलत समझा। पिताजी आप भी मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत, मुझे आज पता चला अपने तो अपने होते हैं। नहीं दीदी आप माफी मत मांगो, आप तो हमारी बड़ी बहन है, अपने तो अपने ही होते हैं, परिवार ही तो काम आता है एक दूसरे के, आप माफी क्यों मांग रहे हो?
अब बेटा सुबह का भूलिया अगर सांझ को घर आ जा तो उसे भूला नहीं कहते। जीते रहो मेरे बेटा, जीते रहो। भाभी आप आराम करो, आप परेशान ना हो, जब तक आपका देवरा आपको कुछ नहीं होने देने का। देख लो नीता, मैं कहता था ना अपने अपने ही होते हैं, तू खामे खाम लड़े कर रही। अब देख ले राहुल तेरी सेवा कर रहा है और तेरी दौरानी सेवा कर रही है, और देख बाबूजी सेवा कर रहे। तेरे खामे खाम नफरत के बीच बो रखे हैं हम भैया भैयन में। बाबूजी हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, यूं नादान है या माफ करो, हम न्यारे ना होंगे। हमें न्यारा ना होने बाबूजी। बाबूजी नहीं बेटा, नहीं 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 बेटा, तू मेरा बेटा है। अरे गुस्से में एक ही बात हो रहा है बेटा, समय था खराब हुआ चला गया। तू मेरा बड़ा बेटा, आयु मेरा छोटा बेटा। मैंने तुमसे बहुत उल्टी सीधी कही बाबूजी। कोई बात ना बेटा, कोई बात ना, कोई बात। चल तू अपनी बहू को देख। देख बेटा इसे ठाओ। अब ठीक है, आराम है तुझे? हाँ मुझे अब आराम है। आप सही कहते थे, परिवार तो परिवार ही होता है अपना। माफ कर दो मुझे भी आप, मैंने उल्टा सीधा सिखाया आप इन लोगों के बारे में, मुझे माफ कर दो तुम भी। अरे बेटा भगवान थाई उम्र लगावे दोनों की। यू मेरा बड़ा बेटा, यू मेरा छोटा बेटा, तू मेरी बड़ी बहू, अय्या मेरी छोटी बहू। हे भगवान, हे परमात्मा, हमारे घर के जैसी शांति सबको दे। पिताजी मुझे माफ कर दो, अब हम सारे इकट्ठे रहेंगे। बेटा माफ कर दिया मैंने, अब कभी नहीं बोलने की मैं तुमसे गलत। ठीक है बेटा, सेवा करूंगी मैं तुम्हारी, अब दोनों बहन मिलकर सेवा करेंगे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, सारी उम्र लगवा। तो दोस्तों हमारा तो घर बस गया, हमारी जो घर की राड़ी थम गई। आप भी अपने घर की राड़ थाम लें और इस फिल्म को जरूर देखें और इससे सीख लें दौरानी जिठानी आपस में। भाइयो घर की राड़ जल्दी जल्दी खत्म कर दो, जैसे